नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप ही के अपने चैनल मनी जी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान वैसे वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के बारे में तो फ्रेंड्स ये जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो होने वाला है आठ जून को शाम को चार मिनट से मतलब साढ़े बजे से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड पर मुकाबला खेला जाएगा उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमें टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना टेलीग्राम मनी गुरु के नाम से है छत्तीस हजार चार सौ यूज़र हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप भी जुड़ जाइए फ्रेंड्स एक चीज नोट कर लीजिएगा आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो हमारे बैकअप चैनल पर देख रहे हो लेकिन हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो मनी गुरु के नाम से इसीलिए टेलीग्राम से आप जब भी जो टेलीग्राम आप जब जॉइन करते हो तो जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए उसी लिंक से आप ज्वाइन करिएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से सबसे सब पहले जान लेते हैं ओडीआई स्टेट्स के बारे में अभी तक इस मुकाबले इस ग्राउंड पर अभी तक जो मुकाबले खेले गए हैं वो चौबीस मुकाबले हुए उसमें बारह मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं बारह मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहां पर रहा है वो रहा है दो का जो कि क्लियरली दर्शा रहा है एक बैलेंस विकेट है जितना ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर बल्लेबाजों को मिल सकता है उतना ही ज्यादा गेंदबाजों को भी मिल सकता है हाइएस्ट यहाँ पर तीन बना है लोवेस्ट यहाँ पर एक रन बने हैं स्कोरिंग पैटर्न से और भी क्लियर हो जाता है आप देखोगे दो सौ से कम रन यहां पर सात बार बने दो सौ से दो सौ उन पचास के बीच दो सौ पचास से दो सौ निन्यानवे और तीन सौ से ऊपर चार बार बने तो यहां पर लो भी बना, है, यहां पर हाई भी बना है और यहां पर बैलेंस भी बना है तो मैं मान के चल रहा हूं एक बैलेंस विकेट हमें देखने को मिल सकता है दो सौ पचास के करीब स्कोर हमें इस मैच में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं लास्ट के कुछ मैचों की इस ग्राउंड पर तो आप देखोगे जो रन बने हैं दो सौ इठ्योत्तर दो सौ छ दो सौ आठ दो सौ इक्यासी दो सौ पचपन दो सौ पैंसठ दो सौ छासठ दो सौ छः और दो सौ तो कहने का मतलब है लगभग यहाँ पर जो स्कोर देखने को मिला है दो सौ से ऊपर का ही देखने को मिला है इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ दो सौ के पचास स्कोर हमें इस मैच में देखने को मिल सकता है हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक एक सौ चौंतीस वनडे मुकाबले खेले गए उसमें वेस्टइंडीज़ की टीम ने इकहत्तर मुकाबले जीते हैं पाकिस्तान की टीम ने साठ मुकाबले जीते हैं लेकिन लास्ट के पाँच मैचों में पाकिस्तान की टीम थोड़ी मजबूत नजर आई है आप देख सकते हो पाकिस्तान की टीम ने तीन मुकाबले जीते हैं तो, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने दो मुकाबले जीते लास्ट के पाँच मुकाबलों में फिर फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ से रिसेंट फॉर्म के बारे में तो पाकिस्तान की टीम ने पिछले पांच मुकाबले जो कि अलग अलग टीम के साथ खेले गए पिछले पांच मुकाबलों में से ओनली दो मुकाबले जीते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मुकाबले अपने नाम किए अब फ्रेंड्स कुछ प्लेयर के बारे में बता दूं उनके हेड पेड रिकॉर्ड के बारे में बता दूँ तो आप देखोगे बाबर आजम ने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के सामने सात मैचों में पाँच सौ छत्तीस रन बनाए हैं वो भी एक सौ सात की एवरेज से अच्छा। तो कहने का मतलब है कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक हमें नज़र आते हैं हसन अली ने सात मैचों में नौ विकेट निकाले हैं वेस्टइंडीज़ के सामने शे होप ने चार मैच में एक सौ इक्कीस रन बनाए हैं तीस की एवरेज से पाकिस्तान के सामने ब्रेंडम किंग ने दो मैचों में एक सौ उनपचास रन बनाए हैं वहीं पर अलजारी जोसअप ने चार मैच में पाँच विकेट निकाले हैं पाकिस्तान के सामने बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन के बारे में तो आप देखोगे पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन कुछ इस प्रकार रह सकती है फकर जमान इमाम उलक बाबर आजम मोहम्मद रिजवान कुशदिल शाह इफ्तिकार अहमद शादाब खान हसन अली मोहम्मद वसीम हरीश राहुल और शाहीन अफरीदी फ्रेंड्स कोई भी चेंजेस होगा प्लेइंग 11 में टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम से तो वेस्ट इंडीज़ की टीम से आप देखोगे शे हो काइली मेयर शाह एस ब्रुक एन बोनर निकोलस पुरन ब्रेंडम किंग के कैटी अलजारी जोसेफ हैडन वॉल्स अखिल हुसैन और एंडरसन फिलिप तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल सकती है वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग इलेवन में एन बुनर और के कार्टे की जगह दूसरे प्लेयर को खिलाया जा सकता है जैसा कि रोमारियो शेवड अगर पूरी तरह से फिट होंगे तो वो कहीं ना कहीं इनकी जगह खेल सकते हैं मतलब एक से दो चेंजेस आपको इस प्लेइंग इलेवन में देखने को मिल सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या रहेगी मेरी टीम तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर ले विकेट कीपर सेक्शन में तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे निकोलस पुने शे हो और मोहम्मद रिजवान तीनों के तीनों कमाल के प्लेयर है और ये जो मुकाबला है वो वनडे मुकाबला है तो तीनों की बल्लेबाजी आने के चांसेस हाई रहेंगे हालांकि आप चाहें तो तीनों जो ऑल विकेट कीपर सेक्शन के प्लेयर है तीनों को आप लेकर चल सकते हो मैं फिलहाल शे होप और मोहम्मद रिजवान को लेकर चलूंगा फिर बात कर ले बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ से मैंने बाबर आजम को लिया है फ़कर जमान को मैंने लिया है और मैंने यहाँ से लिया है वो लिया है एज़ ब्रुक को जो कि एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं गेंदबाजी भी है कर सकते हैं दो ऑलराउंडर में लेकर चलूंगा शदाब खान और काइली मेयर को दोनों ही जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं रोमारियो शेफर्ड खेलेंगे तो टॉस का हम देखेंगे इन्हें लेना है या नहीं लेना है हालांकि मस्ट भी क्लेयर रहेंगे मेरे हिसाब से अगर ये इस मैच में खेलते हैं तो फिर इफ्तिकार अहमद इस मैच में खेल सकते हैं कुशदिल दिल सागा भी ऑप्शन है आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो गेंदबाजी की बात करूं तो चार गेंदबाज मैंने लिए हैं शाहीन अफरीदी को मैंने लिया है अखिल हुसैन को मैंने लिया है हसन अली को मैंने लिया है और हरीश राहु को मैंने लिया है हालांकि आप चेंजेस करना चाहें तो अलजारी जोसफ को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो या फिर पहले वेस्ट इंडीज़ टीम की अगर गेंदबाजी आती है तो आप हसन अली की जगह यहाँ पर अलजारी जोसफ को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो बाकी ऑप्शन बहुत सारे हैं आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो तो चलिए देख लेते टीम का प्रिव्यू उससे पहले फ्रेंड्स फिर से नोट करवा दो आप जो हमारा वीडियो देख रहे हो हमारे बैकअप चैनल पर देख रहे हो लेकिन हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वनी गुरु जी के नाम से टेलीग्राम पर छत्तीस यूज़र जुड़े हुए हैं यहाँ पर अक्सर आपको फ्री एंट्री मिलती है इस मैच में भी आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है टेलीग्राम पर टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो फॉलो कर लीजिएगा तो दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी मोहम्मद रिजवान शे होप बाबर आजम एस ब्रुक्स फकर जमान काली मेयर शदाब खान अखिल हुसैन हसन अली शाहीन अफरीदी और हरीश राव यहाँ पर हम एक से दो चेंजेस कर सकते हैं जैसा कि रोमारियो शफड़ कहेंगे तो हम रोमारियो शफड को लेकर चल सकते हैं तो या फिर आप चाहे तो अलजारी जोसफ को अपनी टीम में पिक कर सकते हो ऑप्शन बहुत सारे आपके पास निकोलस प्रोन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़ टीम की पहले बल्लेबाजी होती है तो कहीं ना कहीं बाद में भी होती है तो वनडे मुकाबला है निकोलस प्रोन भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी पिक बन सकते हैं ध्यान रखना मेरे कैप्टन रहेंगे इस मैच में बाबर आजम वाइस कैप्टन मेरे रहेंगे हसन अली कोई चेंजेस करूँगा तो टेलीग्राम पर बताऊँगा टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो फॉलो कर लीजिएगा थैंक यू वेरी मच